ما لك رولة 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 शुरू करें सभी मीडिया के लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज हमारे साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब और रामचरण कश्यप साहब भी हैं और डॉक्टर अयूब साहब हैं जो पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं सदर हैं और हम तमाम ने मिलकर ये फैसला लिया है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जहां पर पीस पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे उन पीस पार्टी के कैंडिडेट की हम सपोर्ट करेंगे और वैसे ही पीस पार्टी जहां पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी होंगे वहां पर वो अपनी सपोर्ट करेंगे। मैं जनाब डॉक्टर अयूब साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने फैसला लिया है और इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर आगे इस चुनाव में मिलकर काम करेंगे ताकि उनकी पार्टी के प्रत्याशी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट्स को कामयाबी मिल सके। फैसला लिया है कि भागीदारी मोर्चा के जहां प्रत्याशी होंगे हमारे प्रत्याशी नहीं रहेंगे वहां पीस पार्टी उनका समर्थन करेगी और जहां पीस पार्टी के प्रत्याशी होंगे वो भागीदारी मोर्चा उसमें समर्थन करेगी। ये हम सभी ने फैसला लिया है और मैं समझता हूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में हम मजबूत विकल्प की तरह से उभरेंगे। जो भी अभी जो बचा हुआ है सीटें यहाँ चुनाव होना है और इसी फैसले के साथ मैं समझता हूँ कि हम लोग एक मजबूती के साथ चुनाव में आएंगे। आपकी पार्टी के कितने उम्मीदवार अभी टोटल उम्मीदवार तो अभी होने हैं अभी फैसले नहीं ले सकते और मुझे लगता है कि करीब 50 के आसपास पीस पार्टी के उम्मीदवार अभी हैं। नहीं वो भी बताया हमने ना कि जो हमारे हमने कहा हमारे प्रत्याशी जहाँ नहीं रहेंगे उसमें हम लोग जो गठबंधन है उसमें हम लोग साथ में हैं और जहाँ प्रत्याशी हमारे नहीं रहेंगे वो हम लोग समर्थन। पार्टियों के नुमाइंदा के तौर पर आप यहाँ शामिल हुए हैं आप पार्टी डॉक्टर साहब इस पार्टी की तरफ से इधर हैं। हम सब ने ये बैठ के तय किया है कि जहां भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी नहीं होंगे पीस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के नहीं होंगे तब पीस पार्टी के होंगे वहां हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जो सम्मिलित हमारे घटक दल हैं पीस पार्टी के कैंडिडेटों का समर्थन करेंगे और जहाँ पीस पार्टी के नहीं हैं हमारे मोर्चे के हैं वहाँ पीस पार्टी के साथ ही समर्थन करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है। बाकी फर्स्ट फेज में सेकंड फेज में डॉक्टर साहब के जो प्रत्याशी थे तो हम लोगों ने इंटरनली बात कर ली थी आपको हम सूचित नहीं कर पाए आपको हम नहीं बता पाए। अब आगे के जो फेज हैं उस फेज में ऐसा हमारा चलेगा ये हम लोगों ने बैठ के तय किया है। नहीं देरी से नहीं है हम लोग बैठ के मैंने आपको जैसे पहले बताया आपकी देख रेख में आपकी उपस्थिति में
फर्स्ट और सेकंड चरण के जो मतदान हुए हम लोगों ने ये तय कर लिया था, जबकि हम लोगों ने प्रचार भी किया। एक दिन मैं आयुष साहब आगरा गए, अलीगढ़ गए, बदायूं गए, तो हमारे मोर्चे के भी प्रत्याशी थे, इनके भी प्रत्याशी थे सेकंड फेस वाले में। तो हम लोग पहले आपको हम नहीं समय से सूचित कर पाए, लेकिन हम लोगों ने बैठ के ये तय कर लिया था और हम लोगों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। आगे के चरण में सबको जानकारी रहे, आपके माध्यम से हमारे साथियों को जानकारी हो जाए, सभी आम जनता को जानकारी हो जाए, इसलिए आज आपको हमें सूचना देना उचित। कितने उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में बताएंगे जी? आपका जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, कितने उम्मीदवार अब तक उतारे आप लोगों ने? हम लोगों ने लगभग अभी 310 के करीब हैं, क्यों कश्यप जी? 310 के करीब हमारे कैंडिडेट हैं। हमारे पर्चे बहुत खारिज हुए हैं, लगभग 20-22 पर्चे हमारे खारिज किए गए। कुछ हमारे और साथी हैं, कुछ जगहों पर हमारे इंडिपेंडेंट हैं जो अच्छे लड़ रहे हैं, उनको हमने समर्थन दिया। और बाकी आप वैसे साहब से कुछ जानना चाहें तो मैं देता हूँ उनको। मैं मुबारकपुर सीट पर आजमगढ़, नहीं मुबारकपुर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही कैंडिडेट रहेगा, या जाप का रहेगा जन अधिकार पार्टी का, या AIMI का रहेगा, एक ही कैंडिडेट रहेगा, या राजभर जी रहेंगे या गुड्डू जमाली रहेंगे। ये आज ही तय हो जाएगा, कल सुबह आपको जानकारी हो जाएगा कि गुड्डू जमाली रहेंगे। हो गया ना अभी जल्दी हो गया ना गुड्डू जमाली रहेंगे। अब आपको जवाब मिल गया, गुड्डू जमाली रहेंगे बाबूजी ने। जन अधिकार पार्टी से कितने लोग मैदान में उतारे गए? बाबूजी ने कहा अभी आपको कि 300 तक बताया। हाँ, 300 पार्टी के कितने? उससे MIM के तो 100 हो गए, 100 से ज्यादा MIM के? ना ना, 100 नहीं हुए हमारे। 99 उम्मीदवार आप उतार चुके हैं। हाँ, 99 प्रत्याशी आप उतार। हाँ ठीक, 99 100 नहीं हुए, इसलिए कह रहा हूँ। सर दूसरे मरहले के आप कितने हुए? क्या हुआ सर? दूसरे मरहले के इंतखाबात पोलिंग हो चुकी है, ऐसे में आपका बयान आता है कि हिजाब वाली इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेगी, आपको नहीं लगता कि इस खास कम्युनिटी को मुत्तहिद कर रहा है इस तरीके की बयान? और प्राइम मिनिस्टर जाहिर है कि उत्तर इंडिया में आपकी बात सही है, आप मैं तारीफ करता हूँ आपके सवाल की। हम ही मुत्तहिद किए थे 2019 में, हम ही मुत्तहिद किए 2017 में, हम ही मुत्तहिद किए 2014 में, हर जगह हम ही मुत्तहिद, दूसरा कोई नहीं करता। मैं उनका स्टेटमेंट सुना हूं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश के लोगों के बारे में इतना डिरोगेटरी तरीके से बात करना बिल्कुल गलत है। वो एक संवैधानिक पोस्ट पर है, उनको जेब नहीं देता, और जिस ओहदे पर है उसका इकबाल रखना चाहिए। तो उन्होंने जिस तरह से ये बात कही है, मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको कंडेम करता हूं, और बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। अच्छा साहब, आज महबूबा मुफ्ती साहिबा भी बोली हैं हिजाब के मुद्दे पे, उन्होंने कहा कि बीजेपी इस पर नहीं रुकेगी, मुस्लिम्स के जितने सिंबल्स हैं उन पर एक के बाद एक अटैक किया जाएगा। तो महबूबा मुफ्ती से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपकी राय जानना चाह रहे हैं। मैंने उनसे पूछिए ना, वो बीजेपी के साथ ही थी, वो बीजेपी को लेकर आई कश्मीर में, बीजेपी का आदमी उनका डिप्टी सीएम था, और बीजेपी उनके साथ ये कहा कि 370 को हम नहीं करेंगे, तो सब साथ मिलके थे वो, तो वो खुद बताएंगे, वो बेहतर जानती है बीजेपी को मुझसे ज्यादा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में वामन मेघराम साथ भी होते थे, वो नहीं है, क्या वजह रही कि आपका गठबंधन उनसे टूट गया, वो मोर्चे में अब नहीं? हाँ नहीं हमारे साथ, हो अफसोस की बात है, मगर ज्यादा डिटेल वही आपको जब मिलेंगे बता पाएंगे इंशाल्लाह। वंशी जी, मुख्यमंत्री जी लगातार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी का, कह रहे हैं जो हमारा विपक्ष है ज्यादा अगर होगा तो हम गर्मी निकाल देंगे, जून में भी हम गर्मी निकाल देंगे। हाँ वो मौसम वैज्ञानिक एक्सपर्ट है, तो मुझे यकीन है कि वो माने पूरे विश्व में अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मैं तो अपील करूंगा कि आइंदा जब वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होगी तो
मुख्यमंत्री को वहां पर बुलाया जाए, वो बताएंगे देश को, पूरी दुनिया को ज्ञान देंगे कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से हो रहा है या जबान से हो रहा है, बता देंगे। सर एक सवाल ये है कि अभी योगी जी ने बयान दिया है कि सर आप वोट अपने जनताओं को सिर्फ वोट सोच समझ के करें, कहीं ये बंगाल और कश्मीर ना बन जाए, क्या ये अजीब अजीब मुख्यमंत्री है, उसको अपने प्रदेश से मोहब्बत नहीं है, बंगाल कश्मीर की बात करते हैं, तो उनको अपने प्रदेश से मोहब्बत होनी चाहिए ना, उनको दिमाग में ये क्यों आता है हमको नहीं मालूम। सर उत्तराखंड के वजीर आला ने ये बयान दिया था कि अगर हुकूमत रिपीट होती है तो कॉमन सिविल कोड का निपास किया जाएगा। अरे उनके उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को हम पढ़ा, उसमें जिक्र ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बयान दिया, देखिए पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जिक्र नहीं है, और आखिरी दिन उन्होंने बात कही है, बिल्कुल आखिरी दिन उन्होंने कही है, तो वो अब बोकलाहट में बोल जाते हैं, जमीन खिसक रही है। पहले चरण में मतदान प्रतिशत देखा गया कम है, दूसरे चरण में देखा गया क्या, तो ये क्या जनता का गुस्सा है जो इतना कम हो रहा है, या कुछ लोग बता रहे कि पॉजिटिव वेव में कि ये लोगों का गुस्सा है कि जो लोग वोट बढ़ चढ़ के दे रहे हैं, वोट प्रतिशत बहुत कम आ रहा है 2017 के चुनाव पहला चरण और दूसरा चरण। नहीं तो वोट परसेंट तो ठीक ही पड़ा है, पहले में पहले फेज में मुझे लगता है 3-4% कम हुआ और सेकंड फेज में भी कम हुआ। तो ये तो नाराजगी है कि उत्साह है। देखिए ये तो मैं मानूंगा, ये हम पॉलिटिकल पार्टियों की भी कुछ कमी है और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भी कमी है कि जो हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, जो लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए वो हम नहीं कर सके, और कुछ उदासीनता भी लोगों की हो सकती है पॉलिटिकल सिस्टम से, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी खास करके जिस एरिया में चुनाव हो रहे थे किसानों का बड़े पैमाने पर विरोध था, गवर्नमेंट के खिलाफ थे, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। पहले दोनों फेज के बाद समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंस में है, उनका कहना है कि मुस्लिम का जितना भी वोट है 100% उनके खाते में गया समाजवादी पार्टी। अच्छा दूसरे समाज का नहीं गया? दूसरे समाज का नहीं गया? एक ही समाज वोट डालता है क्या? अतिरिक्त में बना रहे हैं, अतिरिक्त। अच्छा दूसरे का नहीं मिला उनको, फिर तो खाब चुकना चूर हो जाएंगे। ओके सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ ले लीजिए फोटो लीजिए, बिल्कुल भाई।